हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है आलोक भारतिया, डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक स्कैम के बारे में बात करूंगा। ऐसा स्कैम जो कि यू नो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पैदा हो गया और ओवर ए प्रॉप टाइम देखते ही देखते ये स्कैम एक मारात्मक एक यू नो महामारी की तरह फैल रहा है कंप्लीट इंडियन यूथ के अंदर। ये स्कैम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप एक बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो वीडियो का अंत तक देख सकते हो, क्योंकि इस स्कैम, इस फ्रॉड के रैडर में आप आ चुके हो। इस स्कैम और रैडर पे कौन फंसते हैं? यूथ, फ्रेशर्स, बिगिनर्स एंड इवन स्मॉल बिजनेस ओनर्स इस स्कैम के अंदर फंसते हैं। गाइज, मैं सोच रहा था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कभी वीडियो ना बनाओ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते थे, मेल्स आते थे, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मेरे कंपनी पुराने कंपनी जहाँ पे मैं जॉब किया हूँ, मेरे कलीग्स हैं, दे आर हेडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज एज डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर एंड हेड्स। तो हम लोग गॉसिप करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आलोक, व्हाई डोंट यू राइट ए ब्लॉग ऑन इट और आर्टिकल ऑन इट, व्हाई डोंट यू मेक ए वीडियो ऑन इट। तो गाइज, यू नो मैं सोच ही रहा था कि यू नो रिसेंटली क्या हुआ, जैसे ये अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कोविड-19 के बाद, ये जो अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, राइट? लेकिन हायरिंग के दौरान क्या हो रहा है, यू नो इतना ड्रास्टिक वैसे रिजेक्शन हो रहा है कैंडिडेट्स लोगों के प्रोफाइल्स। गाइज, ऐसे मैंने आज तक नहीं देखा था। अगर एक 20 कैंडिडेट को हम बुला रहे हैं विथ एन एक्सपेक्टेशन टू फिल ए SU एग्जीक्यूटिव पोजिशन, उस पे से यू नो 200 के 200 रिज्यूमेस कैंडिडेट्स ड्रास्टिकली फेल हो रहे हैं। अगर 20 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो 20 के 20 मिसगाइडेड आंसर्स आ रहे हैं। गाइज, सो आई थॉट एंड स्पोक टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। गाइज, अगर आप एक फ्रेशर हो, बिगिनर हो और इस फील्ड में करियर बनाने का सोच रहे हो, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। सबसे पहला स्कैम, अफिलियट मार्केटिंग कोर्सेज का स्कैम। गाइज, अफिलियट मार्केटिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस टू प्रमोट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ सम अदर पार्टी, किसी थर्ड पार्टी ओनर के प्रोडक्ट या सर्विस को अपने वेबसाइट, अपने कम्युनिटी पे प्रमोट करने का टेक्निक है अफिलिएट मार्केटिंग। गाइज, अफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी कोर्स सेलर्स हैं, ठीक है, आई डोंट से दैट ऑल आर स्कैमर्स, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं भी एक अफिलिएट मार्केटर हूँ। बट गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जितने भी अफिलिएट मार्केटिंग के कोर्सेज सेल कर रहे हैं वो आपको एक सपना दिखाएंगे, ठीक है। कोई यू नो अपने BMW ऑडी में बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई अपने यू नो एप्पल के प्रोडक्ट्स अपना दिखाता है, कोई अपना लाविश लाइफस्टाइल दिखाता है, कोई आपको ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखाता है इनकम का जिसका रियलिटी और जेन्युइननेस चेक आप नहीं करते हो, एंड यू फॉल ऑन बाइंग देयर कोर्स। कोर्सेज के रेट्स भी इतने कम होते हैं ना कि लोअर मिडिल क्लास बंदा भी, एक स्कूल का यू नो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट या तो कोई रिमोट लोकेशन में कोई मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का बंदा वो भी अफोर्ड कर सकता है 600-500-1000 रुपये का कोर्स। वो कहेंगे अरे वाह मस्त यार, ले लेते हैं। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ प्योर स्कैम। वो क्या करते हैं यार, मेरे YouTube के प्लेलिस्ट के वीडियोस को डाउनलोड करके कोई उसे अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बना के पैकेज करके टेलीग्राम में 500 रुपए में बेच रहा है। ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर जो बंदा $1 million बना रहा है from affiliate marketing and he is ready to give away his knowledge in ₹500, is it realistic? Unbelievable guys, unbelievable scam hai ye. 1-2 crore banane wala banda wo apna total knowledge 500 rupees mein de raha hai. Can you believe it? Guys, it's a common sense, you need to understand, this is a very common sense, theek hai. सबसे बड़ा स्कैम। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो आपको हमेशा आउटपुट दिखाते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एवरी अफिलिएट मार्केटर इज अ स्कैमर, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज भी हैं, ठीक है। इवन टुडे आई ऑल्सो इन्वेस्ट ऑन माई लर्निंग, ठीक है, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं भी कोर्सेज परचेज करता हूँ, मैं खुद सीखता भी हूँ। गाइज, नॉट एवरीबडी इज स्कैमर, लेकिन गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आपको सिर्फ दिखाते हैं आउटपुट, एक ड्रीम लाइफ पेंट करते हैं आपके सामने कि आप ये कोर्स लो आपका लाइफ ऐसे हो जाएगा। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इज अ सीरियस अफेयर। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा मार्केट रिसर्च का नॉलेज होना जरूरी है, बहुत सारा कंटेंट आइडियाज जनरेट करने का रिसर्च होना जरूरी है, निश स्पेसिफिक कंटेंट आइडियाज रिसर्च करने का आपको नॉलेज होना जरूरी है, वेबसाइट के मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बिल्ड करने का नॉलेज होना जरूरी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है, वीडियो मेकिंग स्किल्स होना जरूरी है, राइट? देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स इन मार्केटिंग दैट यू नीड टू लर्न टू रीच टू दैट पॉइंट। कोई आपको मेथड्स के बारे में डिस्कस करेगा नहीं वीडियो में अपने एडवर्टाइजमेंट्स में,
कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में एक अच्छा अफिलिएट मार्केटर बनना है देन यू नीड टू डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दे विल शो यू द एंड फ्रूट नॉट द रूट। गाइज दिस इज अ प्योर स्कैम। इस स्कैम में क्या होता है पता है, उनका मेन गोल होता है कोर्सेज बेचना, ठीक है, और भारत का जनता तो है ही 100-150 करोड़, उस पे से 0.1% बंदे भी अगर इस स्कैम में फंस जाते हैं दैट फेलो इज मेकिंग ए हेल लॉट ऑफ वेल्थ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइज। लेट अस गो टू द स्कैम नंबर टू। द स्कैम नंबर टू, स्कैम नंबर टू इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का यू नो ये जो मसाला तैयार किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। आई एम नॉट ब्लेमिंग नेटवर्क मार्केटिंग, आई विल नेवर, क्योंकि यू नो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देर आर मल्टीपल डिफरेंट मैकेनिज्म्स। नेटवर्क मार्केटिंग है, गोरिल्ला मार्केटिंग है, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, देर आर हेल लॉट ऑफ वेज यू नो हाउ यू कैन प्रमोट ए प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूट ए प्रोडक्ट और सर्विस। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स अपने लिस्ट के अंदर वर्ड ऑफ माउथ से यू नो किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। गाइज तो यहाँ पे हो क्या रहा है गाइज, यू नो जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, नॉट ऑल नेटवर्क कंपनीज मार्केटिंग कंपनीज आर बैड, अगेन डिस्क्लेमर है, लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स को एज ए नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट बना के लोगों को बेच रहे हैं एंड दे आर शोइंग बिग बिग ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स। तो गाइज इससे डिजिटल मार्केटिंग या इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट गिर रहा है गाइज, वो जो कोर्स प्रमोट कर रहे हैं इन देयर नेटवर्क, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स प्रमोट कर रहे हैं इन देयर नेटवर्क या डिजिटल मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग का जो भी कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, वो कोर्स का क्वालिटी है थर्ड क्लास, थर्ड क्लास। गाइज ट्रस्ट मी, आपका नेटवर्क कितना भी स्ट्रांग हो, आपका मार्केटिंग कितना भी स्ट्रांग हो, इफ द प्रोडक्ट इज शिटी then nobody is going to get a value out of it. तो इससे क्या हो रहा है guys, अपने अपने network पर जब एक crap course, एक shitty course without a zero value course और program जो कि outdated हो गया है, अभी उन वो course लेकर के आपका कोई value नहीं होने वाला, ठीक, अगर जब वो course distribute circulate होता है market के अंदर और बहुत अलग अलग locations पर पहुँचता है, तो you know क्या होता है, एक नॉलेज, एक रॉन्ग नॉलेज, एक मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन प्रोपागेट होता है मार्केट में। तो ये वीडियो को अंत तक देखो, आई विल अनफोल्ड ऑल द फैक्ट्स। तो वो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, वो उसको अप्रोच करेगा, कहेगा कि यार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर ले, बहुत अच्छा है, मैं क्या हूँ, मेरा लाइफ चेंज हो गया है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो कोर्स उसे चेपेगा, वो कोर्स उसे कॉपी पेस्ट करेगा। तो वो बंदा खुश, बोलेगा मेरे को भी पैसा कमाना है यार, कोर्स में तो कुछ है नहीं, क्योंकि बंदा यहाँ पे सीखने के लिए आ नहीं रहा है, वो सिर्फ ड्रीम देख करके आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स है, ठीक है, उसे मैं ले लूंगा तो मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, और वो कोर्स में होगा जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू। तो बंदा आ जाएगा उसके नेटवर्क पे और उसे इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि जिस तरह से मैंने, जिस स्क्रिप्ट से मैंने तुझे बेचा ये कोर्स, तू भी अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स में उसे बेचो। गाइज यही चल रहा है अभी, बहुत सारे कंपनीज हैं, आई विल नॉट नेम एनी ऑफ द कंपनीज, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और जब हम इंटरव्यूज लेते हैं, जब बंदे रिजेक्ट होते हैं, हम उनके CV चेक करते हैं कि कहाँ से सर्टिफिकेशन लिया, क्या कोर्स किया है, क्या प्रोजेक्ट इंटर्नशिप किया, एवरीथिंग गोज डाउन। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेक अप राइट नाउ, ठीक है। स्कैम नंबर थ्री, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्कैम। आज के डेट पे क्या हो रहा है गाइज, आपको पता होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। आप कोई भी बड़े ब्लॉगर को या वीलॉगर को यू नो यू कोलैब विद देम, ओके, यू मेक सम वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है, तो क्या होगा, आपको भी रातों रात एक बहुत तगड़ा रीच मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, 1 साल 2 साल 3 साल हुआ है, ठीक है, दे कोलैबरेट विद सम बिगर यूट्यूबर्स, दे कोलैबरेट विद सम बिगर ब्लॉगर्स एंड डू ए कोलैबोरेशन विद देम, कि मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मैं आपके साथ टाई अप हो जाता हूँ, ठीक है, मेरे बारे में आप वीडियो बनाओ, ठीक है, मेरे को इंटरव्यू लो, इंटरव्यू लेने के बाद आई विल प्रमोट माई कोर्स, अगर आपका ये वीडियो 50,000 लोग देख रहे हैं और ये लिंक से परचेज हो रहा है देन आई विल गिव यू अ कमीशन। गाइज इस तरह के कोर्सेस को लेने के बाद
यू विल गेट जीरो वैल्यू. व्हाई आई टेल यू, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि जो कि सारे इंडस्ट्री के लिए अलग है. स्टैंडर्ड मार्केटिंग नॉलेज होना जरूरी है, बट डिजिटल मार्केटिंग ना आप कोई रिकॉर्डेड मटेरियल से सीख सकते हो, ना कोई ब्लॉग पढ़ के सीख सकते हो. यू कैन ओनली लर्न आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इट फॉर ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री. डिजिटल मार्केटिंग रियल इस्टेट के लिए अलग है, आईटी के लिए अलग है, फैशन के लिए अलग है, रिटेल के लिए अलग है, ई कॉमर्स के लिए अलग है, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, सारे कंपनी के लिए मार्केटिंग अलग है मेरे भाई, क्योंकि सारे इंडस्ट्री के अंदर उनका कस्टमर परसोना अलग होता है, प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट होते हैं, सारे कंपनी अलग अलग तरीके से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो हाउ कम द मार्केटिंग विल बी स्टैंडर्ड. सो गाइस, इससे क्या हो रहा है, दो लोग पैसा बना रहे हैं, दो भाई बैठ के जो सामने वीडियो बनाते हैं. गाइज वेकअप अगेन, वेकअप वेकअप वेकअप, हाँ जाग जाओ. दिस इज अ बिग स्कैम अगेन, दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्कैम. ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेल्स आते हैं, मेरे को भी आते हैं कि आप हमारे झुंड में आ जाओ, हम लोग सब मिलके एक दूसरे का कोर्स प्रमोट करेंगे, सब मिलके एक दूसरे का कोर्स प्रमोट करेंगे. गाइज यू नो व्हाई विल आई प्रमोट अ कोर्स जिससे मेरे ऑडियंस को वैल्यू नहीं पहुंच रहा है, जस्ट फॉर मेकिंग मनी? गाइज मैंने बहुत साल इंडस्ट्री में जॉब किया है, काम किया प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल स्टार्टेड एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एंडेड एज ए डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर. देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी, माई ओन अकेडमी. लाइफ में जितना करना था कर लिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई विल आई प्रमोट समबडी एल्सेस कोर्स टू मेक मोर मनी. गाइज इट इज नॉट अबाउट मनी. आज के डेट पे भारत का जो GDP है इतना डाउन हो गया, इट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू टेक इट अप. एक एंटरप्रेन्योर, एक लेजिट और एक जेन्युइन बिजनेस ओनर ही, इंडियन बिजनेस ओनर, डोमेस्टिक बिजनेस ओनर ही इस GDP को बढ़ा सकता है. जब इस तरह से रिसोर्सेज, जब इस तरह से मैन पावर जो कि लो क्वालिटी नॉलेज के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी जॉब मिले और हम भी इंडस्ट्री GDP को, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें, बट हाउ कम यू डोंट हैव दैट स्पेसिफिक नॉलेज, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज, यू डोंट हैव दैट एम्प्लॉयबल नॉलेज. गाइज अगेन वेकअप राइट नाउ. स्कैम नंबर 4, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का स्कैम. बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, राइट, जो कि सिर्फ टूल्स प्रमोट करते हैं थ्रू देयर कोर्सेस. वो कहेंगे फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे, अच्छा यार फ्री में कोई सिखा रहा है बंदा, लेट्स टेक अप दैट कोर्स. ठीक है, आप उस कोर्स पे अच्छे से ध्यान लगाओगे, सीखोगे, नोट्स बनाओगे, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन करने की बारी आएगी, आगे वाला बंदा बोलेगा होस्टिंग लेना है मेरे लिंक से ले, लैंडिंग पेज बनाना है मेरे लिंक से ले, ईमेल चलाना है मेरे लिंक से खरीद. तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टूल्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग इज डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर बेस, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स. लैंडिंग पेज आपको पता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो फ्रॉम पेज बिल्डर्स. गाइज क्या आपको पता है आज के डेट पे ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको स्टार्टिंग में डोमेन और होस्टिंग फ्री में दे रहे हैं. आप खुश हो जाओगे, बढ़िया मस्त यार, नेक्स्ट ईयर जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना आपका खून चूस लेंगे. मैं होस्टिंग कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है उस होस्टिंग कंपनी को बहुत प्रमोट करते हैं यार. ठीक है, मैं भी वो होस्टिंग यूज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसे प्रमोट नहीं करता, ट्रस्ट मी गाइस. स्टार्टिंग में आपको वो फ्री मिलेगा थीम के साथ, डोमेन भी देंगे. नेक्स्ट ईयर दे विल आस्क यू 15,000 रुपीज टू रिचार्ज. आप क्या करोगे, आप तो एक साल उस पर काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली अगर आपका कार्ड लगा हुआ है कार्ड से डेबिट हो जाएगा, फंस गए ना भाई. सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन वेकअप कि आगे वाला बंदा एक्चुअली में मेरे को सिखा के एक प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनाना चाहता है, या मेरे को अपने टूल्स का कस्टमर बनाना चाहता है. क्योंकि आगे वाले बंदे को पता है कि अगर मेरा कोर्स 1000 बंदे ले रहे हैं, 1000 बंदे अगर ले रहे हैं, तो यार एटलीस्ट उस पे से 100 लोग तो ऐसे होंगे जो रिचार्ज मार देंगे अगले साल, या रिपीट कस्टमर बन जाएंगे, एंड आई विल बिकम टू मच रिच. एक पैसिव इनकम सोर्स मेरे लिए जनरेट हो जाएगा. गाइज आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड स्ट्रैटेजी, एज अ मार्केटर यू नो आई हैव बीन डूइंग दैट मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइज,
टुडे वी नीड सम रियली सीरियस डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स टू इम्प्रूव आवर जीडीपी, टू स्टार्ट सम इंडियन स्टार्टअप्स. हमें कुछ सीरियस यू नो प्रोफेशनल्स, क्रेडिबल यू नो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटर्स चाहिए. तो अगर आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बनाना चाहते हो सीरियसली एज ए प्रोफेशनल, एक अच्छा जॉब क्रैक करना चाहते हो, एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हो और उसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहते हो, देन वेक अप अगेन गाइस. स्कैम नंबर फाइव. बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं गाइस जो कि बहुत लो कॉस्ट कोर्सेज रहते हैं. उनका काम यही होता है कि यू नो सिर्फ कोर्सेज बेचना. उनका जॉब लाइफ चेंज करना नहीं होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं होता है, उनका होता है कोर्सेज बेचना. 200-500 में कोर्स बेचते हैं, आप खरीद लेते हो. उनका टारगेट होता है कि 1 करोड़ लोगों को बेच दिए, 1 लाख लोगों को बेच दिए कोर्स, 300-400 रुपए का कोर्स, और एडवर्टाइजमेंट चलाने के बाद हर एक कोर्स अगर 50 रुपया हमारा बच रहा है, देन ऑल्सो वी आर मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज. ना टेक्निकल सपोर्ट का कोई सिस्टम है, ना डाउट क्लासेस का कोई सिस्टम है, ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना, कैंपेन कैसे रन होता है उसका प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना, ना कोई स्कोप है. सिर्फ वो कोर्स खरीद लो, ठीक है. तो 500 रुपये का कोर्स है, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस को हटा के अगर 300 रुपये भी चला गया एडवर्टाइजमेंट पे, 200 रुपये का अगर उनका प्रॉफिट है, और लेट अस अज्यूम कि 50,000 लोग खरीद लिए, देन दे आर सॉर्टेड, राइट. क्या अच्छा बिजनेस है, राइट. लॉट ऑफ नाइस बिजनेस, ठीक है. तो गाइज, दिस इज वेयर आई कम टू द लास्ट स्कैम विच इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप स्कैम. बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप के नाम से आपको अट्रैक्ट करेंगे, राइट. आप आ जाओगे, अच्छा है, इंटर्नशिप लो और फ्री ट्रेनिंग ले लो. तो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, फ्री ट्रेनिंग के बहाने वो आपको अपने कंपनी का जितने भी मुंडेन काम है ना, वो सब कुछ आपको डाटा एंट्री का काम कराएंगे और कहेंगे कि अच्छा बढ़िया. क्योंकि गाइज यू नो ये चलता आ रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. स्टार्टिंग में जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं था डेवलपमेंट के अंदर, जब हम लोग कॉलेज स्कूल में थे, उन्होंने जावा जब एंटर किया था, तभी भी बहुत सारे कंपनीज, आईटी कंपनीज, उन्होंने जावा का फ्री ट्रेनिंग पे लोगों को बुला के टेस्टिंग करवा देते. सो गाइज अगेन वेक अप, इंटर्नशिप स्कैम. इस स्कैम के बारे में और थोड़ा जानते हैं. तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि फ्री में बुलाते हैं कि अपना काम करवा लो, ठीक है, और साइड बाय साइड किसी एक दो बंदे के पास बिठा दो जो बैकलिंक बना रहा है या कोई ऐड चला रहा है, उसके पास एक हाफ डे बिठा दो तो आपका ट्रेनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग हो गया. ऐसे बहुत सारे कंपनी जो आपसे पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि ट्रेनिंग है और इंटर्नशिप में आपको पैसा भी मिलेगा. तो वो क्या करते हैं, एक ही बार में बहुत लोगों का एनरोलमेंट करते हैं, 5,000-10,000 टारगेट करते हैं अक्वायर करने के लिए एक एक बैचेस पे. फिर क्या होता है यार, यू नो उनका रहता है असाइनमेंट्स, वो आपको असाइनमेंट्स देंगे. और असाइनमेंट्स पे होगा क्या, असाइनमेंट्स पे रहेगा जो कोर्स आप खरीदे हो उसी कोर्स के अफिलिएट लिंक को आपको प्रमोट करना है अपने नेटवर्क के अंदर. मतलब इंटर्नशिप का कंप्लीट वर्क क्या रहेगा, टू प्रमोट द प्रोडक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी परचेस्ड. मतलब वो कहेंगे कि आपने कोर्स ले लिया, हमारा इंटर्नशिप का टोटल वर्क क्या है, इसी पर्टिकुलर कोर्स को आप डिजिटली मार्केट करो अपने नेटवर्क के अंदर. गाइज देखो, इट्स ओके कि आप किसी एजुकेशन प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केट करने का तरीका सीख रहे हो, इट इज़ ओके कूल, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल क्या है. उन्हें पता है कि यार वो आपको इतना कूट कूट के असाइनमेंट देंगे कि आप कभी भी वो असाइनमेंट ऑन टाइम फिनिश नहीं कर सकते. वो कहेंगे कि आपका असाइनमेंट है कि आप इसी पर्टिकुलर कोर्स का एक पॉजिटिव टेस्टिमोनियल वीडियो बनाओ, राइट. कोर्स पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं है, दैट इज़ अ डिफ. अगर आपको इंटर्नशिप में पैसा बनाना है, इंसेंटिव बनाना है, सैलरी बनाना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारा असाइनमेंट्स करो. गाइज अगेन वेक अप. यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक्चुअल रियल नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने 5 स्कैम बनाए. अगर किसी भी स्कैम के साथ आपका एनकाउंटर हुआ है, देन प्लीज़ कमेंट बिलो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं. प्लीज़ कमेंट बिलो एंड शेयर योर थॉट्स. क्योंकि गाइज ये वीडियो क्यों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि गाइज यू नो आज के डेट पे इंडियन इकोनॉमी नीड सम रियली रियली होम ग्रोन डोमेस्टिक स्ट्रांग एंटरप्रेन्योरशिप. और इस डोमेस्टिक होम ग्रोन एंटरप्रेन्योरशिप को फायर अप करने के लिए वी नीड सम रियली लेजिट क्रेडिबल डिजिटल मार्केटर्स जो कि मार्केट रिसर्च का नॉलेज रखते हैं, जो कि सेल्फ सस्टेन्ड मार्केटर हैं, खुद कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज स्ट्रांग है, खुद वेबसाइट बना सकते हैं,
खुद यू नो एक बायर्स पर्सोना बना सकते हैं, खुद फनेल बना सकते हैं। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आज के डेट पे फनेल बनाने के कोर्सेज के अंदर सिर्फ लोग अपने अफिलिएट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आपको कोर्सेज के नाम से। गाइज रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक एक्चुअल क्रेडिबल लेजिटिमेट ट्रस्टवर्दी और यूजफुल कोर्स के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने जरूरी है। आप अगर एक फ्रेशर हो, बिगिनर हो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक रियल करियर बनाना चाहते हो, एक अच्छे कंपनी में जॉब, एक अच्छा फ्रीलांस करियर, एक अच्छे ब्लॉगिंग का करियर बनाना चाहते हो फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग, देन यू शुड क्लिक ऑन द आई बटन राइट नाउ टू चेक कि ये क्रेडिबल लेजिट कोर्स के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स और फीचर्स होने जरूरी हैं। सो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो एनलाइटन किया होगा आपके सेंसेस को। अगर इस वीडियो के कोई भी पॉइंट्स के साथ हो सकता है आप अग्री करो ना करो, वट एवर योर थॉट्स इज प्लीज कमेंट बिलो, आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स। सो दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।